हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। आज के इस लेक्चर में हमें 1D ग्राफ जनरेटर को पढ़ेंगे और बोर्ड के हवाले से ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, 1D ग्राफ जनरेटर आज का टॉपिक, 1D ग्राफ जनरेटर। तो क्या होता 1D ग्राफ जनरेटर? एक ऐसी डिवाइस जो कि कई मिलियन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करने के लिए यूज की जाती है, जिससे कि चार्ज्ड पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, उनको एक्सेलरेट किया जा सके। ठीक है, इट इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर सेटिंग अप वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, कई मिलियन वोल्ट का। ठीक है, मतलब अप टू मिलियन वोल्ट्स। ठीक है, सो दैट चार्ज्ड पार्टिकल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटॉन, उसको हम एक्सेलरेट करवा सके। चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन कैन बी एक्सेलरेट। तो देखो, सबसे पहले 1D ग्राफ जनरेटर की कंस्ट्रक्शन देखो क्या होता है। एक ऐसे करके स्टील चैम्बर होता है, ठीक है, ये क्या है, स्टील का चैम्बर। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं हम। 1D ग्राफ जनरेटर दिखने में कैसा होता है? ये यहां पे एक स्फेरिकल कंडक्टर होता है, ठीक है, ये क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर, और ये क्या है मेरा, स्टील चैम्बर। और ये मेरा है स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। और यहां पे स्टील चैम्बर के अंदर क्या होता है, मीथेन या नाइट्रोजन गैस फिल होती है। ठीक है, उसका पर्पज अभी थोड़ी देर में पता चलेगा क्यों यहां पे इस स्टील चैम्बर के अंदर नाइट्रोजन या मीथेन गैस को भरा जाता है। और क्या होता है, यहां पे ये एक पुली है, P1 पुली, ठीक है, और ये है P2 पुली, और ये बेल्ट है। ठीक है, ये जो बेल्ट है ना, ये मूव करेगी, ऐसे चलेगी बेल्ट इन पुली की हेल्प से। और ये पुली किसकी हेल्प से चलेंगी, मोटर की हेल्प से। ठीक है, P1 और P2 ये पुली है, और इस पुली के ऊपर से होती हुई एक बेल्ट है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं क्योंकि मुझे यहां पे कुछ जगह चाहिए। ठीक है, और ये है यहां पे हाई टेंशन बैटरी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये यहां पे अर्थिंग होती है। ठीक है, और ये क्या है, स्प्रिंग कॉम्ब, B1 स्प्रिंग कॉम्ब। ठीक है, और कुछ यहां पे होता है कलेक्टिंग कॉम्ब,
बी टू कलेक्टिंग कोम्ब, ये शार्प पॉइंट्स हैं ठीक है ना, कंडक्टिंग शार्प पॉइंट्स, 1 2 3 4, इसको हम स्प्रेइंग कोम्ब बोलेंगे, इसको हम कलेक्टिंग कोम्ब बोलेंगे। बी वन है स्प्रेइंग कोम्ब, अभी पता चलेगा स्प्रेइंग कोम्ब क्यों बोल रहा हूं, और बी टू है कलेक्टिंग कोम्ब ठीक है। और देखो मान लो ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है इसकी रेडियस है आर, आर इज रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ठीक है। तो अब देखो ये हाई टेंशन बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब बहुत ज्यादा वोल्ट की बैटरी। तो देखो यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो ये जो शार्प पॉइंट्स है ना, कंडक्टिंग शार्प पॉइंट्स, इन पे ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है ना। बिल्कुल देखो इसका प्रिंसिपल क्या है वान डी ग्राफ जनरेटर का, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, कोरोना डिस्चार्ज या एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, ये शार्प पॉइंट्स है ना, कंडक्टिंग शार्प पॉइंट्स। तो देखो यहां पे ये जो पॉजिटिव चार्ज आया ना इस हाई टेंशन बैटरी की वजह से इन कंडक्टिंग शार्प पॉइंट्स पे, तो क्या होगा, क्योंकि ये शार्प पॉइंट्स है ना, तो एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो होगा यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज हो जाएगा, जो मतलब ये बी वन क्या है स्प्रेइंग कोम्ब, ये तो कोरोना डिस्चार्ज होगा क्योंकि इसके आसपास एयर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाएंगे, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना एक तरह से स्प्रे हो जाएगा, इस बेल्ट पे आ जाएगा स्प्रे होके ठीक है, जो हमने एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स पढ़ा था ना कोरोना डिस्चार्ज, उसके तहत ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रे हो जाएगा और बेल्ट पे आ जाएगा, और ये बेल्ट ऊपर की तरफ चल रही है ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ दीज पुलीज, और ये पुलीज रोटेट किसकी हेल्प से होंगी, मोटर की हेल्प से, तो ये बेल्ट ऊपर की तरफ चलेगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहुंच जाएगा ठीक है ना, बेल्ट पे, ये बेल्ट ऊपर की तरफ चलेगी ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे पहुंच जाएगा ठीक है। और देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे पहुंच गया, ड्यू टू इंडक्शन, ये जो कलेक्टिंग कॉम है ना, ड्यू टू इंडक्शन इस कलेक्टिंग कॉम पे चार नेगेटिव आ जाएंगे, 1 2 3 4, चार नेगेटिव, तो चार नेगेटिव आए हैं तो चार पॉजिटिव यहां पे आ जाएंगे, 1 2 3 4, ये चार नेगेटिव चार पॉजिटिव से एक तरह से कैंसल हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज ठीक है। तो देखो ये चार पॉजिटिव चार्ज एक तरह से यहां से यहां पे पहुंच गया, यहां पे क्या हुआ कोरोना डिस्चार्ज की हेल्प से, ये बी वन जो स्प्रेइंग कॉम्ब है ठीक है, यहाँ पे एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स देखने को मिला हमें, कोरोना डिस्चार्ज वो पॉजिटिव चार्ज इस बेल्ट पे आ गया, ये ऊपर पहुंच गया और इंडक्शन हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए और यहाँ पे चार पॉजिटिव आ गए। अब ये चार पॉजिटिव इस पे इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 1 2 3 4, इसे स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो हाई टेंशन बैटरी से कनेक्टेड है ना ये कंडक्टिंग शार्प पॉइंट्स, तो यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज फिर से आ जाएगा, 1 2 3 4 पॉजिटिव, और फिर यहां पे क्या होगा, अगेन एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, कोरोना डिस्चार्ज होगा ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रे हो जाएगा बेल्ट पे ठीक है ना, हमने कोरोना डिस्चार्ज पढ़ा था एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, तो ये पॉजिटिव
पॉजिटिव चार्ज बेल्ट पे स्प्रे हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब एक तरह से बेल्ट पे आ जाएगा, और ये बेल्ट ऊपर की तरफ चल रही है लगातार, तो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज विद द हेल्प ऑफ दिस मूविंग बेल्ट ऊपर पहुंच जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। और अगेन यहाँ पे ड्यू टू इंडक्शन 4 नेगेटिव आ जाएंगे, 1 2 3 4, इसे कलेक्टिंग कॉम्ब B2 पे 4 नेगेटिव आ जाएंगे ना, 4 नेगेटिव आए तो 4 पॉजिटिव भी आएंगे, 1 2 3 4, ये तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे 4 पॉजिटिव आ गए, तो एक तरह से यहाँ का चार्ज अगेन यहाँ पे पहुंच गया, तो ये 4 पॉजिटिव अगेन इस स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है ना, 2 3 4। तो देख सकते हो हाई टेंशन बैटरी से कनेक्टेड है ये मेरा शार्प पॉइंट कंडक्टर, मतलब ये एक तरह से क्या मेरी स्प्रेइंग कॉम्ब, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा रहेगा, लेकिन वो ड्यू टू कोरोना डिस्चार्ज स्प्रे हो जाएगा या ड्यू टू एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स इस बेल्ट पे, और ये बेल्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और फिर ड्यू टू इंडक्शन इस कलेक्टिंग कॉम्ब B2 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जितना नेगेटिव आया उतना पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, और वो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है ना इस पे हम लगातार चार्ज स्टोर करते जा रहे हैं इस 1D ग्राफ जनरेटर में, और उससे क्या हो रहा है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना Q/4πε0R, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर Q/4πε0R वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इस प्रोसेस में, इस 1D ग्राफ है जनरेटर में, ठीक है, तो क्यों बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे चार्ज स्प्रे हुआ बेल्ट पे, वो एक तरह से यहाँ पे पहुंच गया, लगातार चार्ज स्प्रे हो रहा है बेल्ट पे, और बेल्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, यहाँ पे ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव आएगा इस कलेक्टिंग कॉम्ब पे, और उतना ही पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस पे जो चार्ज है ना क्यों वो बढ़ता जा रहा है स्फेरिकल कंडक्टर पे, ठीक है, तो ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर एक तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, क्यों के बढ़ने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा ना ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर, और देखो ये यहाँ पे स्फेरिकल शेल है, ये मतलब एक तरह से होलो स्फेरिकल कंडक्टर है, ये अंदर क्या है खाली अंदर से, ठीक है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही हो जाएगा ना जो सरफेस पे आएगा, सरफेस पे ये है तो V इनसाइड वो V सरफेस के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू Q/4πε0R, क्यों क्या है चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या हुआ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर या इनसाइड दिस स्फेरिकल कंडक्टर वो लगातार बढ़ता जाएगा, ठीक है, और ये ऐसा होते होते लगातार ये बेल्ट ऊपर की तरफ चलती रहेगी, यहां से चार्ज स्प्रे होगा इस बेल्ट पे, ठीक है, ड्यू टू कोरोना डिस्चार्ज, और वो चार्ज यहां पे कलेक्ट किया जाएगा बाय दिस कलेक्टिंग कॉम B2, और वो यहाँ पे स्प्रेड होता रहेगा, तो ऐसा करते करते क्यों लगातार बढ़ता जाएगा ऑन दी सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर, चार्ज ऑन दिस सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर क्यों लगातार बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये बेल्ट चलती रहेगी, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना ऑन दी सरफेस या इनसाइड स्फेरिकल कंडक्टर जो कि सेम होगा वो लगातार बढ़ता रहेगा, ठीक है, और ये ऐसे बढ़ता बढ़ता कई मिलियन वोल्ट तक पहुंच जाता है, अप टू फ्यू मिलियन वोल्ट्स, ठीक है,
और अब मैं इसका यूज कर सकता हूं कैसे, देखो देखो, ये मैंने एक सेटअप बना दिया, यहां पे ये ग्राउंडेड अर्थिंग है, मतलब यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि ग्राउंड कर दिया ना। और यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर। तो मान लो कई मिलियन वोल्ट तक पहुंच चुका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ऑन द सरफेस बोल दो या इनसाइड स्फेरिकल कंडक्टर, कई मिलियन वोल्ट तक पहुंच चुका है। अब हमने और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो नहीं बढ़ाना, मतलब यहां पे काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो चुका है, ठीक है, और मान लो अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और नहीं बढ़ाना, तो क्या करेंगे, जिस मोटर से ये दोनों पुल्ली घूम रही थी ना, और इन पुल्ली घूमने के कारण जो ये बेल्ट ऐसे लगातार चल रही थी, उस मोटर को स्टॉप कर देंगे तो पुल्ली घूमना बंद हो जाएगी, तो बेल्ट भी रुक जाएगी। तो अब यहां पे और चार्ज आ ही नहीं पाएगा इस स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस पे। तो अब मान लो कई मिलियन वोल्ट तक पहुंच चुका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ऐसा मानो। तो अब इसका यूज किसके लिए होगा, देखो यहां पे कई मिलियन वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहां पे जीरो क्योंकि मैंने अर्थिंग कर रखी है ना। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये हाइयर पोटेंशियल ये लोअर, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, ये कई मिलियन वोल्ट का है, मतलब क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका यूज कर सकता हूं मैं टू एक्सलरेट चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटोन। मैं क्या करूंगा, यहां पे प्रोटोन जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, उसको पुट करूंगा प्रोटोन को। और देखो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा ना, और ये लगातार एक्सलरेट करेगा, ठीक है, ये प्रोटॉन ऐसे एक्सलरेट करेगा, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा। यहां का पोटेंशियल कई मिलियन वोल्ट, यहां का जीरो, ये हाइयर पोटेंशियल ये लोअर, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन वो हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा, और ये इनफैक्ट एक्सलरेट करेगा, और यहाँ पे टारगेट है ये, यहाँ पे मतलब ये एक्सलरेट करता करता यहाँ पे पहुंचेगा। तब जो इस प्रोटॉन की रफ्तार होगी ना, स्पीड, वो काफी खतरनाक होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कई मिलियन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन एक्सेलरेट हुआ है। तो जब ये टारगेट को हिट करेगा तो इसकी जो स्पीड होगी ना इलेक्ट्रॉन की, सॉरी स्पीड ऑफ प्रोटॉन, वो विल बी वेरी वेरी हाई, क्योंकि ये लगातार एक्सेलरेट होता है ना फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे टारगेट पे प्रोटॉन की रफ्तार काफी ज्यादा चाहता हूं, तो मैं प्रोटॉन को यहाँ पे पुट करूंगा, और ये प्रोटॉन हाइयर पोटेंशियल टू दिस लोअर पोटेंशियल ऐसे एक्सलरेट करता हुआ आएगा। तो जब ये टारगेट को हिट करेगा, या मतलब इस टारगेट पे पहुंचेगा प्रोटॉन, इसकी रफ्तार काफी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये है मेरा 1D ग्राफ जनरेटर, एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, टू एक्सलरेट चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन। और वो कैसे एक्सलरेट होगा, उसके लिए वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस चाहिएगा, ठीक है ना। वैसे तो लो पोटेंशियल डिफरेंस पे भी एक्सलरेट हो जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं जब ये प्रोटॉन है यहां पे ऐसे एक्सलरेट होता होता टारगेट तक पहुंचे, तो टारगेट पे जब ये पहुंचे इसकी रफ्तार काफी ज्यादा हो, तो उसके लिए मुझे यहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए ना, कई मिलियन वोल्ट। तो एक तरह से 1D ग्राफ जनरेटर का यूज किसके लिए किया जा रहा है यहां पे, फॉर सेटिंग वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप टू फ्यू मिलियन वोल्ट्स, और ये इसकी
कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग आपने देख ली। ये स्प्रेइंग कॉम्ब है, ये कलेक्टिंग कॉम्ब है, यहाँ पे चार्ज स्प्रे होगा ऑन दिस बेल्ट, और ये मूविंग बेल्ट है, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर रही है लगातार, क्योंकि ये दोनों पुलीज घूम रही हैं, और ये पुलीज किसकी वजह से घूम रही है, मोटर की वजह से, ठीक है। तो हाई टेंशन बैटरी से कनेक्टेड है ना ये, क्या कंडक्टिंग शार्प पॉइंट्स, या ये जो स्प्रिंग कॉम्ब है हाई टेंशन बैटरी से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो इकट्ठा होगा, ये तो पक्का है इन दोनों कॉम्ब पे, और यहाँ पे फिर एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स होगा, मतलब कोरोना डिस्चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज स्प्रे हो जाएगा इस बेल्ट पे, और ये बेल्ट ऊपर की तरफ चली रही है, तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहुंचेगा, तो ड्यू टू इंडक्शन इस कलेक्टिंग कॉम्ब पे उतना ही नेगेटिव आ जाएगा, जितना नेगेटिव आया उतना पॉजिटिव आना चाहिए, वो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और वो एक तरह से यहाँ का पॉजिटिव चार्ज ऐसे बेल्ट से होता हुआ यहाँ पे पहुंच गया, और फिर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट या स्प्रेड होता रहेगा ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर। तो देखो ये अंदर से होलो है, ये ध्यान रहे, तो जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो इनसाइड आएगा, ठीक है। तो बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगातार बढ़ता रहेगा, क्यों, बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि जो चार्ज है ना ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर क्यों, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये बेल्ट चल रही है लगातार, बेल्ट यहाँ से चार्ज लेके जा रही है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या फिनोमिना हो रहा है, कोरोना डिस्चार्ज एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स की वजह से, तो बेल्ट उस पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रही है, यहाँ पे ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव आ जाएगा चार्ज इस कलेक्टिंग कॉम्ब B2 पे, और जितना नेगेटिव आया उतना पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो एक तरह से वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, तो बस क्यों लगातार बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सरफेस पे होगा वो इनसाइड आ जाएगा, क्यों, बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर क्या, रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगातार बढ़ता जाएगा, और मान लो ऐसा होता गया मतलब ये बैटरी लगातार चली रही है, तो क्यों बढ़ता गया, अगर बढ़ता गया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ता गया, मान लो कई मिलियन वोल्ट तक पहुंच गया, अब मुझे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बढ़ाना, तो उस मोटर को ऑफ कर देंगे जिसकी हेल्प से ये दोनों पुलिस घूम रही थी, तो बेल्ट भी यहीं की यहीं पर रहेगी, अब और चार्ज स्प्रेड नहीं होगा, अब और चार्ज नहीं आएगा, मतलब इस पे स्फेरिकल कंडक्टर पे, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस पे, अब यहाँ पे फ्यू मिलियन वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो चुका है, यहाँ का तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, यहाँ का कुछ फ्यू मिलियन वोल्ट, तो कुछ चार्ज पार्टिकल है लाइक प्रोटोन, जो कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है, ये टारगेट है, मैं उसको यहाँ पे पुट करूँगा प्रोटोन को, वो एक्सेलरेट होगा, तो जब यहाँ पे टारगेट पे पहुँचेगा ना उसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा होगी, और मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।